अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं सोशल साइंस के बारे में। तो बग़ैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। सोशल साइंस, जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है, सोशल मतलब ये कि किसी इंसान के बारे में स्टडी करना उसकी सोसाइटी में रहते हुए, मतलब इंसान के बिहेवियर को समझना कि उसका बिहेवियर सोसाइटी में कैसा है, उसके कल्चर के अकॉर्डिंग उसका बिहेवियर कैसा है, दैट इज़ सोशल साइंस। साइंस का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ के बारे में पता लगाना, ऑब्जर्वेशन करना, एक्सपेरिमेंट करना और उसके अकॉर्डिंग, एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग जो है किसी चीज़ का पता लगाना, फाइंड आउट करना, किसी चीज़ की तलाश करना, दैट इज़ साइंस। तो सोशल साइंस क्या हुआ? सोशल साइंस ह्यूमन के बारे में, इंसानों के बारे में स्टडी करना, उनके बिहेवियर के बारे में स्टडी करना कि उनकी सोसाइटी में उनका बिहेवियर कैसा है, उनके कल्चर के अकॉर्डिंग उनका बिहेवियर कैसा है, सोशल लेवल पे वो किस तरह के हैं, दैट इज़ सोशल साइंस। तो चलिए इसको लफ्जी तौर पर पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से समझते हैं। पॉइंट नंबर वन, दिस साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड सोशल रिलेशनशिप, ह्यूमन की सोसाइटी के बारे में समझना और देखना इनके अंदर रिलेशनशिप कैसे हैं, क्या है, किस तरह से है, हाउ दे बिहेव टू ईच अदर, किस तरह से वो एक दूसरे से बिहेव करते हैं, सोसाइटी के बारे में जानना, दैट इज़ कॉल्ड सोशल साइंस। नंबर टू, इट डील्स विद द ह्यूमन बिहेवियर इन इट्स सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट। सोशल साइंस में हम इंसान के बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि वो सोशल लेवल पे कैसा है, अपने कल्चर के अकॉर्डिंग वो कैसा है, इन पहलुओं के अकॉर्डिंग, इन कल्चरल एस्पेक्ट्स, सोशल एस्पेक्ट्स में वो किस तरह गए, हम स्टडी कर रहे हैं इंसान के बिहेवियर के बारे में। इसमें हम देख रहे हैं हमारी सोसाइटी किस तरह की, अपनी सोसाइटी के बारे में स्टडी कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड सोशल साइंस। एंड इन शॉर्ट, सोशल साइंस इज नथिंग, जस्ट अ स्टडी ऑफ ए सोसाइटी, दैट्स इट। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने बात की सोशल साइंस के बारे में। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।